कनाडा में भारत के गृह मंत्री अमित शाह पर झूठे आरोप लगाए थे और अब भारत ने उस पर कड़ा आपत्ति दर्ज की है। ये रिपोर्ट देखिए। हमने कल कनाडा के उच्चायोग यानी दूतावास के प्रतिनिधि को समन किया था। 29 अक्टूबर 2024 को ओटावा में सार्वजनिक सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा पर स्थायी समिति कार्यवाही के संदर्भ में एक राजनयिक नोट उस प्रतिनिधि को सौंपा गया है। हिंदुस्तान का ये पलटवार कनाडा द्वारा गृह मंत्री अमित शाह पर लगाए गए झूठे आरोपों के बाद आया है। विदेश मंत्रालय ने गृह मंत्री अमित शाह पर लगाए गए कनाडाई मंत्री के आरोपों को निराधार बताया है। कनाडा के मंत्री ने टोरंटो में खालिस्तानियों पर हो रहे हमले में भारत के गृह मंत्री अमित शाह का हाथ बताया था, जिसके बाद भारत ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। उस नोट में बताया गया कि भारत सरकार उप मंत्री डेविड मॉरिसन द्वारा समिति के समक्ष भारत के केंद्रीय गृह मंत्री के बारे में व्यक्त किए गए अनर्गल और निराधार संदर्भों को कड़े से कड़ा विरोध करती है। कनाडा के उच्च अधिकारी भारत को बदनाम करने और अन्य देशों को प्रभावित करने की एक सुविचारित रणनीति के तहत जानबूझकर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को निराधार आक्षेप लीक करते हैं। भारत ने कनाडा पर आरोप लगाया है कि कनाडा सरकार के अधिकारियों ने भारत को बदनाम करने के लिए जानबूझकर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में बेतुके आरोप लीक किए हैं। हिंदुस्तान ने कनाडा को चेतावनी भी दी है कि कनाडा के इस हरकत का गंभीर असर भारत कनाडा के रिश्तों पर पड़ेगा। यह रहस्य उद्घाटन उस दृष्टिकोण की ही पुष्टि करता है जो भारत सरकार लंबे समय से वर्तमान कनाडा सरकार के राजनीतिक एजेंडा और उसके व्यवहार के तौर तरीके के बारे में रखती रही है। इस तरह की गैर जिम्मेदाराना कार्रवाइयों से द्विपक्षीय संबंधों पर गंभीर परिणाम होंगे। कनाडा द्वारा लगाए गए झूठे आरोप में भारत भड़क उठा है। कनाडा लगातार भारत की वैश्विक स्तर पर छवि खराब करने की कोशिश कर रहा है। कनाडा के रवैये को देखते हुए भारत कनाडा संबंध हाल फिलहाल में तो सुधरते हुए नहीं दिख रहे हैं।